इश्की के लिए किसी की मोहब्बत बन गई जुनून, राजवीर से ज्यादा इश्की के लिए कौन कर रहा है प्यार में हदे पार। आज इश्की की इंटर्नशिप का फाइनल डे था, प्रिया ने इश्की को अपने कैबिन में बुलाया। हेलो मैम, आपने मुझे क्यों बुलाया था? मैंने तुम्हें बुलाया था क्योंकि आज ऑफिस में तुम्हारा लास्ट डे है, तुम्हें आज काम नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जल्द ही मेल पर आ जाएगा। इश्की वापस अपनी डेस्क पर आकर बैठ गई, तभी उसके पास एक प्यून आया और उसे एक बुके दिया। मैडम ये आपके लिए। इश्की को बुके देखकर हैरानी हुई, उसने सोचा कि किसने उसे इतना बड़ा बुके दिया। उसने रोजेस को काउंट किया जो पूरे 99 थे। 97, 98, 99, किसने भेजे 99 रोजेस, वो भी रेड। शाम का वक्त इश्की मिशा के रूम में इधर उधर टेंशन के मारे टहल रही थी। इश्की तू ऐसे चलना बंद करेगी, मुझे चक्कर आ रहे हैं तुझे देखकर। तुझे तो सिर्फ चक्कर ही आ रहे, लेकिन यहाँ मुझे। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सिर्फ तेरे साथ मजाक कर रहा हो। रियली मुझे तो टेंशन हो रही है कि जब राजवीर को इस बारे में पता चलेगा तो। अच्छा चिल, मैं रेहान को बोलूँगी वो अपने सोर्सेस से पता लगवाए। ठीक है, लेकिन अब तब तक वो आदमी और कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। चिल, कल से हम कॉलेज जाने वाले हैं और कॉलेज तो अपना इलाका है, वहाँ कोई टेंशन नहीं है। ये बात नहीं है, एक बार वो मेरे हाथ लग जाए। अच्छा ठीक है, अब अपने रूम में जा, भाई आते ही होंगे। इश्की अपने रूम में चली गई। रूम में राजवीर पहले से ही आ चुका था और इस वक्त वो बाथरूम से नहाकर बाहर निकला था। उसने सिर्फ लोअर पहना हुआ था और काफी हॉट लग रहा था। अरे अरे, आप इस तरह से पूरे रूम में नहीं घूम सकते, समझे आप? इश्की राजवीर के पास जाते हुए बोली। आपको डर नहीं है क्या, अगर किसी ने आपको ऐसे देख लिया तो उसका ईमान डोल जाएगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा। मेरा क्या, मुझे कुछ नहीं होता है, समझे? ये कहकर इश्की जल्दी से वहाँ से भागकर बाथरूम में गई। राजवीर ये देखकर हंसने लगा। दूसरी तरफ रात होने लगी थी, पर वो तंश अभी तक अपने कैबिन में ही था। उसके साथ देव भी पिस रहा था। पता नहीं क्या हो गया है इन्हें। कहाँ खो गए तुम देव? चलो मुझे सिंघानिया कॉर्पोरेशन की फाइल दो। जी सर। बुके देखकर क्या रिस्पांस दिया उसने? सर वो। डोंट टेल मी देव कि इस बार भी तुमने कोई गलती कर दी। सर वो ड्राइवर ने बुके तो पहुँचा दिया था, लेकिन कार्ड लगाना भूल गए। ये बोलकर देव ने जल्दी से अपनी गर्दन को नीचे कर लिया। तुम लोग कपूर इंडस्ट्रीज को एक दिन डुबा कर रहोगे। तंज को गुस्से में देखकर देव ने जल्दी से फिर अपनी गर्दन नीचे कर ली। अब ये सब करना बंद करो यार, और सोचो कि अब क्या किया जाए। सर मैंने पता किया है, कल से वो कॉलेज जाने वाली है, तो हम अब भी कुछ कर सकते हैं। हाँ कर तो सकते हैं। मैं उसके कॉलेज में कोई सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ और ऑफिस का काम रात को कर लूंगा। तंज की ये बात सुनकर लगा कि उसका बॉस पागल हो गया है। नेक्स्ट डे क्लास में मधु ने इश्की और मिशा के पास आकर कहा, हो गई इंटर्नशिप? तूने कहीं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? यार फैमिली इमरजेंसी थी इसीलिए घर जाना पड़ा। तेरा बैड लक चल रहा है, अब क्या करना है? तभी क्लास में बहुत शोर होने लगा, सारे स्टूडेंट्स आपस में कुछ बातें कर रहे थे। ये देखकर मिशा ने मधु से पूछा, ये अचानक यहाँ क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता, हमारे कॉलेज को कपूर इंडस्ट्रीज ने खरीद लिया है और आज इसी को लेकर एक सेशन है। ये कब हुआ? पता नहीं, हमें तो अभी अभी इस बारे में पता चला है। कौन है वो बिजनेसमैन जिसने इश्की के लिए खरीद लिया उसका पूरा कॉलेज? क्या इश्की जान पाएगी कि उसको फूल भेजने वाला कौन है और उसके इरादे क्या है? तो सुनते रहिए डेविल से शादी सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।